नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल की तरफ से। आज का दिन आपके लिए बेहद ज़्यादा खास है और आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जिया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और ईडी निदेशालय की कस्टडी में चल रहे नवाब मलिक के बाद अब उनके परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जी हां, आज उनके बेटे फराज मलिक से पूछताछ के लिए ईडी ने ऑफिस में तलब किया है। उन्होंने कहा पेश होने के लिए एजेंसी के जांच अधिकारियों से समय मांगा था। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को उन्हें समन जारी किया गया था जिसमें उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। यानी कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से जो मुसीबतें चल रही हैं नवाब मलिक के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि 3 मार्च तक के लिए उन्हें कस्टडी में रखने का जो है आदेश जारी किया गया है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। जी हां, इस समय महंगाई की मार झेल रही है आम जनता। 2 साल से कोविड से परेशान और एक तरफ इनकम कम हो चुकी है तो दूसरी तरफ महंगाई जो है इस समय आसमान छू रही है। जी हां, बात कर रहे हैं दूध की कंपनी अमूल ने अपने दूध के प्रोडक्ट्स में, जी हां, दूध में जो है 2 रुपये प्रति लीटर का जो है इजाफा किया है। ये 8 महीने में दूसरी बार है जब अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब आ चुका है न्यूक्लियर की बात। जी हां, पुतिन के धमकी देने के बाद जैसे बच्चों के मन में और ज्यादा भय आ चुका है क्योंकि मुंबई के अंदर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं और देश के तमाम राज्यों से अगर मिला जाए तो अभी भी 16 से 17 हजार बच्चे फंसे हैं। बताया जा रहा है कि आज एक विशेष विमान से पोलैंड से जो है भारतीय बच्चे मुंबई के लिए रवाना होंगे और लगभग दोपहर तक जो है मुंबई एयरपोर्ट पर ये बच्चे पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं भारत के सभी बच्चे जल्द से जल्द यूक्रेन से मुंबई या फिर किसी भी राज्य के किसी भी एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही।